ओके दोस्तों, अगर आप लोग अपने मोबाइल के खींचे हुए फोटो को DSLR जैसा लुक देना चाहते हो, जिसको हम पोर्ट्रेट और ब्लर कहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह और सही वीडियो पर हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म ऐप के बारे में, जिसमें खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके फ़ोटो को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के खींचे हुए फ़ोटो में DSLR जैसा ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ असद और आप देख रहे यूनिक पैक्स। दोस्तों, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा और मैं आप लोगों को फुल गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके का बेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है जिसका नाम है मैक्रॉन। इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से जाके बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आए कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सैंपल आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद सैंपल आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने परमिशन दे दीजिए इसको। तो यहाँ पर मैं अलाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है सैंपल, फोटो, कैमरा, व्हाट्सएप इमेज। तो यहाँ पर से आप अपने गैलरी का फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सैंपल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बलून घूम रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये ऑटोमेटिकली अभी पर्सन को डिटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर नीचे आप लोग को तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ऑल है, पर्सन, बैकग्राउंड, और यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इफेक्ट, बैकग्राउंड, ब्लर। तो आप लोगों ने सिंपल इस ब्लर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस वाले आइकन को लो हाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज़ कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को नीचे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसमें ये बैकग्राउंड है ब्लर है और ये दूसरा वाला भी ब्लर है, तो आप इसमें भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैंपल इस वाले को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सैंपल इस ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से आप लोगों का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें इफेक्ट है, जिससे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड में एक अलग तरीके का इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैंपल इस इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको तरह तरह के इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ये वाला है, ये दूसरा वाला भी है। तो आप इसको भी ट्राई कर दीजिए, ये भी बहुत कमाल के लुक प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे सेव वाले ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोगों ने सैंपल इस सेव वाले बटन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को आप अपने गैलरी में देख सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर से ट्राई कर दीजिए, बहुत कमाल का लुक आपको देखने को मिलेंगे अपने फ़ोटो में, और आप इसी तरीके से अपने फ़ोटो में ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी मसला हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।